हम लोगों ने सुना है कि दार्जिलिंग अस्पताल में फर्स्ट कोविड का डेट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं सर? हाँ, एक पेशेंट का डेथ हुआ है। वो है बहुत खराब कंडीशन में, आने के बाद एडमिट करने के बाद उसका रैट टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया। और हम लोग SpO2 देखा, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, और शुरू से ही 50% से लो था। और पेशेंट बहुत डिटेरिएट कर रहा था। ऐसा था कि उसका ट्रांसफर भी करने का कि नहीं था, मौका नहीं था कि ट्रांसफर करने से रास्ता में ही कुछ हो जा सकते। तो पेशेंट को हम लोग ट्राई किया, हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया। हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से भी उसको पेशेंट ही नहीं हुआ, इम्प्रूव नहीं हुआ, और फिर गुजर गया, कल रात में गुजर वो गया। मेल फीमेल था डॉक्टर? तो फीमेल फीमेल ना, एज कितना था डॉक्टर? एज देख रहा है मैं, 1 मिनट करिए। FIFTY-TWO 52। डॉक्टर अभी तक दार्जिलिंग शहर के अंदर कितना पॉजिटिव केस अभी तक का रिपोर्ट है? अभी तक रिपोर्ट तो हर रोज ही 2-3 पॉजिटिव निकलते हैं। अब जो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक को देना चाहते हैं कि ये सेकेंड वेव जो आ गया है, तो ये फर्स्ट वेव से भी बहुत खतरनाक है। फर्स्ट वेव में जितना केस हुआ, अभी उससे भी ज्यादा केस होते। जी और जस्ट सेकेंड वेव हैज अराइव्ड, अभी भी और बढ़ सकते। लोगों ने इधर उधर घूमेगा, ये ठीक नहीं है। मास्क तो यूज करना जरूरी है, और बाहर जाने से मास्क यूज करना, मास्क इज ए मास्क, और मेंटेन करना पड़ेगा। और तीसरा बात जो मैं बोलना चाहता है कि इमरजेंसी करके, आपको काम है, आपको ऑफिस है, आपको प्रोफेशन है, इसलिए बाहर जाना ही है तो ठीक है। और फिर आपको बिना मतलब बिना मतलब एक जानकारी भी दिया है कि सब नॉन इमरजेंसी जो ऑफिस है, जो शॉप ई है, शॉप मार्केट है, सब 50% करके खुला रखना। और अल्टरनेट डे, ये भी जानकारी है। अच्छा और फिर जो आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी पड़ा है तब तो जाना है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, मजा करने के लिए बाहर मत जाइए। ये फिर इमरजेंसी आ गया, ये वेब कोई महीना अभी रहेगा, और आप खुद, आप लोग सब खुद अच्छा रहना चाहते हैं, तो खुद को बचाइए। इमरजेंसी पर्पस छोड़ के कभी भी बाहर मत जाइए। ओके अच्छा हो गया। थैंक यू डॉक्टर बाबू, थैंक यू, थैंक ओके, यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। वो तो